हे गाइस, इसी ट्रिंकी धर्मेंद्र YouTube चैनल पर इसकी आज मैं बात करने वाला हूं। अगर आप सबके पास Amazon Pay का ICICI क्रेडिट कार्ड है तो आप सबको मिलेगा कैशबैक, और कैशबैक मिलने के बाद आप सब उसी कैशबैक के Amazon Pay से या क्रेडिट कार्ड बिल पे कर सकते हैं। यानी जो आपका रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है वो रिवॉर्ड पॉइंट ही आपको बिल आप पे कर सकते हो उसी रिवॉर्ड पॉइंट से, जो कि आसानी से ट्रिक है। मैं आपको पूरे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले क्या चैनल पर नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाला बेल आइकन को भी प्रेस की ताकि मिलता रहे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट। सबसे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो चलते मोबाइल के स्क्रीन पर देखता हूं किस तरह से हम लोग ICICI का जो Amazon Pay क्रेडिट कार्ड है उसका जो रिवॉर्ड पॉइंट है किस तरह से हम लोग उसका बिल पेमेंट कर सकते हैं, जो कि किसी भी क्रेडिट कार्ड का आप लोग बिल पेमेंट कर सकते हैं। जो चलते मोबाइल की स्क्रीन की ओर, तो गाइज मैं फाइनली आज को अपने मोबाइल के स्क्रीन की ओर ओपन करके रखा हूँ Amazon Pay एप्लीकेशन को। गाइज मैं बता दूँ कि Amazon Pay एप्लीकेशन में अगर आप सबके पास Amazon Pay क्रेडिट कार्ड है या तो सबसे पहले आप Amazon Pay क्रेडिट कार्ड का क्या हो तो आपको बेनिफिट बहुत मिलने वाला है, जो कि Amazon एप्लीकेशन पे अगर आप लोग यूज करेंगे तो गाइज सबसे पहले आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले गाइज आप सबसे कोई करना क्या है, आपको मोर पे क्लिक करता है। चलो पहले मोर पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप समझा दूँ। गाइज सबसे पहले ऊपर हम देखें, आपको एक ऊपर में एक सिंपल आपको दिख जाएगा जो कि बताया जा रहा है कि अर्न यानी 3% आपको अनलिमिटेड रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगी, जबकि कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे और एक रिवॉर्ड का वो आपको MRP मिलेगा एंड कॉस्ट मिलेगा आपको ₹1 मिलेगा, यानी एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो कॉस्ट है उसका ₹1 मिल जाएगा आपको। तो क्या सबसे पहले इधर देखेंगे आपको, सबसे पहले इधर आप देखिए Amazon Pay बैलेंस जो कि आपका वॉलेट का बैलेंस हो गया, उसके बाद आप जो बैंक अकाउंट लिंक करके रखें वो ये आपको UPI अकाउंट हो गया। उसके बाद गाइस आप देखेंगे नीचे में आपको और मिल जाएगा, एक स्टेप दिया गया है Amazon Pay ICICI कार्ड का जो कि आपको इस एप्लीकेशन से लिंक रहता है। तो गाइस सबसे पहले आपको इसी पे क्लिक करना, चलो फाइनली मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो गाइस मैं एक शॉपिंग किया था तो उसके बाद हमको ये रिवॉर्ड पॉइंट मिला। गाइस मैं बता दूं कि 6 रिवॉर्ड पॉइंट हमको मिला एक शॉपिंग करने पे, तो हमको देखेंगे गाइस हमको ₹6 मिल गया, यानी मैं एक शॉपिंग किया हमको 6 रिवॉर्ड पॉइंट मिला उसका ₹6 हो गया। गाइस उसके बाद अगर आपके पास यानी अगर शॉपिंग भी आप लोग करना चाहते हैं, अगर आपके पास 2-3 क्रेडिट कार्ड है और उसके बाद उसके साथ साथ Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड है तो आप सब कभी भी शॉपिंग कीजिएगा तो आप Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड से कीजिए, जो भी कि Amazon Pay कीजिए, ताकि आपका जो भी रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा वो उसके आप सब आसानी से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो क्या सबसे पहले देखेंगे आपको जो भी ₹6 है मेरे पास, तो इसको आपको देखेंगे एक ऑप्शन आपको नीचे मिल गया है पे बिल का लिए, तो आपको पे बिल पे क्लिक करेंगे। चलो पे बिल पे करता हूँ, देखेंगे नीचे में एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा अदर आप ICICI का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज देखेंगे नीचे ऑप्शन दिया गया है पे यूजिंग अदर बैंक का, यानी अदर बैंक का भी आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं इस पैसा से। तो सबसे पहले चलो हम मेरे पास तो अदर बैंक का SBI का है, चलो सब मैं पे अदर पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं पे अदर पर क्लिक किया तो देखेंगे कैसे हमको ले गया www.icicibank.com पर। चलो हम सबसे पहले कैसे देखेंगे उसका, देखेंगे आपको फाइनली भी पेमेंट गेटवे पे लेके आया है, यानी आपको इंटरनेट बैंकिंग जो है इधर से आपको चालू करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में चलो सबसे पहले वो ICICI पे क्लिक कर देता हूँ, उस पर क्या ऑप्शन आ रहे थे फाइनली सर, चलो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ फिलहाल में। तो वैसे फिर से मैं पे पे क्लिक करता हूँ, पे पे क्लिक करने के बाद पे ICICI बैंक पे मैं क्लिक करता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं पे ICICI पे क्लिक कर दिया, तो गाइस फिर से हमको यही लेके गया है ICICI का जो ये पेमेंट या इंटरनेट बैंकिंग हम लोग चालू करते हैं सिम्बूस पे लेके चला गया, यानी अभी हमको मांगा जा रहा है इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी। चलो फटाफट मैं अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर इधर डाल देता हूँ। तो कैसे हमको एक ऑप्शन आ गया इधर, देखेंगे आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर हमको बोला जाए डालने की, चलो फटाफट अपना मोबाइल नंबर इधर फिल कर देते हैं। तो गाइस फाइनली मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर चुका हूँ, गाइस उसके बाद हमको JET OTP पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं JET OTP पे क्लिक कर दिया हूँ। गाइस जैसे मैं JET OTP पे क्लिक किया तो देखें हमको बोला जा रहा है कि आप अपना INTER 6-DIGIT OTP, यानी अभी हमारे मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और OTP के बाद हमको बोला जाए नीचे में एक ऑप्शन मिला है हमको। तो गाइस फाइनली हमको OTP आ भी चुका है, चलो फटाफट हम OTP इधर फिल कर देते हैं पहले। उसके बाद हमको ATM को यानी क्रेडिट कार्ड को जो आपको पिन है वो पिन डालना पड़ेगा, नीचे में एक ऑप्शन दिया ATM पिन, तो आपको ATM पिन डाल देना। चलो फाइनली फटाफट पहले OTP में इधर फिल कर देता हूँ। तो गाइस फाइनली अपना हम OTP भी इधर फिल कर चुके हैं, उसके बाद मैं ATM का जो मेरा पिन था यानी क्रेडिट कार्ड का पिन वो पिन भी मैं MPIN भी डाल दिया हूँ। तो गाइस देखेंगे आपका जो क्रेडिट कार्ड का लास्ट का पिन नंबर है वो आपको शो हो जाएगा, जो कि गाइस उसके बाद आपको गाइस करना क्या पड़ेगा, उसके बाद आपको सिर्फ प्रोसेस पर आपको क्लिक करना। चलो फाइनली प्रोसेस पर किसको क्लिक कर देता हूँ, तो गाइस फाइनली मैं प्रोसेस पर क्लिक कर दिया हूँ। तो गाइस देखेंगे हमको, तो गाइज कभी कभी आपका मोबाइल नंबर काम नहीं करेगा तो आपको अपना यूजर आईडी जो इंटरनेट बैंकिंग है आपका वो इंटरनेट बैंकिंग से आप इसको फटाफट बिल पेमेंट कर सकते हो। चलो फटाफट अपना इंटरनेट बैंकिंग का इधर देखेंगे यूजर आईडी और पासवर्ड हमको इधर डालना पड़ेगा, चलो फटाफट मैं डाल देता हूँ इधर। तो गाइज फिलहाल अपना इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी डाल दूँ, पासवर्ड फिल करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है, फिलहाल मैं लॉगिन पे क्लिक कर दिया हूँ। तो गाइज जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं आपका इंटरनेट बैंकिंग चालू हो गया गाइज, उसके बाद देखेंगे नीचे आपको इधर स्लाइड करेंगे तब देखेंगे आपको दोनों क्रेडिट कार्ड शो हो जाएगा, जो कि मेरा 2 क्रेडिट कार्ड है। तो गाइज आप जो जिसका भी बिल पेमेंट करना चाहते हो वो पैसा से तो इधर आप इसमें से चॉइस करना पड़ेगा आपको दोनों क्रेडिट कार्ड में से। चलो फिलहाल मैं ऊपर वाला ले लेता हूँ, उसके बाद हमको गो पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। चलो फिलहाल मैं गो पे क्लिक कर दिया,
तो गाइस जैसे आप गो पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे आपका रिक्वेस्ट ले लिया गया है और आपका ये पैसा आपके ये क्रेडिट कार्ड के डाल दिया जाएगा, जो कि इधर देखेंगे करंटली इधर दिया गया है आप स्टेटस, तो इसका आप स्टेटस देख के आप देख लीजिएगा, जो कि एटीएम से आप तो और ये पैसा का एटीएम से विड्रॉ भी कर सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप एमेजोन का जो कैशबैक आएगा वो पैसा किस तरह से आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आप देखना है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जैसे कि जैसे मैं इस वीडियो को पब्लिक करूंगा तो आप तक ये वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगा, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। तो गाइस यही था एक अपडेट फाइनली जो कि मैं आपको दे दिया अमेजोन पे का, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद जरूर होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।